बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। तो बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार सीएए एनआरसी को लेकर खासकर मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्दी दूर करे, उनको पूरी तौर से संतुष्ट भी करना चाहिए तो ये बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोग सावधान भी रहें, कहीं इस मुद्दे की आड़ में उनका राजनीतिक शोषण तो नहीं हो रहा और वो इसमें पिसने लगे हैं। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो मायावती ने करते हुए लिखा है इस ट्वीट के जरिए कि बीएसपी की ये मांग है कि केंद्र सरकार सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर खासकर मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्दी दूर करे और उनको पूरे तौर से संतुष्ट भी करना चाहिए तो ये बेहतर होगा। तो केंद्र सरकार से सीधा उन्होंने ये मांग की है। तो वहीं ये दूसरा ट्वीट उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को समझाते हुए, इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोग भी सावधान रहें, कहीं इस मुद्दे की आड़ में उनका राजनीतिक शोषण तो नहीं हो रहा, वो इसमें पिसने लगे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये दो ट्वीट कर, जहां एक तरफ केंद्र सरकार से मांग की है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों में आशंकाएं बनी हुई हैं इस कानून को लेकर, उसको दूर किया जाए, पूरे तरीके से संतुष्ट करना ये बेहतर रहेगा सरकार के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को समझाते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया कि मुस्लिम समाज के लोग भी सावधान रहे, कहीं इस मुद्दे की आड़ में वो राजनीतिक शोषण का शिकार तो नहीं हो रहे, वो कहीं ना कहीं इसमें पिसने लगे हैं। तो पिछले दिनों जिस तरह से सीएए का विरोध देखा गया, हिंसक रूप लिया, उसी तर्ज पर अब ये ट्वीट कर मांग की है कि इस आशंकाओं को दूर करे केंद्र सरकार।